असलम टू ऑल ऑफ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव पैसि के बारे में इंट्रोडक्शन और हमने प्रजेंट कंटीन्यूस तक पढ़ा था आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसि वॉइस आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ अगर आपने एक्टिव पैसि का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई ग्रामर की तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास देखें प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वर्जन अगर हम देखें मतलब अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाना हो जो कि हमारे नॉर्मल रूटीन के सेंटेंसेज होते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ या है मतलब हैव या हैज़ इस तरह से कह लें हम और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं मतलब इन शॉर्ट जितने भी परफेक्ट से रिलेटेड से आपके टेंस आप क्रिएट करते हो ना मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट तो उसमें आप सारे परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो और परफेक्ट का मतलब अगर आपने टेंसिस का भी डिटेल लेक्चर लेना है तो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं आप जाकर देख सकते हैं तो हम बात कर रहे थे पैसिव की तो पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव वर्जन क्रिएट करना हो किसका प्रेजेंट परफेक्ट का तो हमारे पास ये रोड है ये रास्ता है क्या है वो हैज़ हैव के साथ हम बीन और हैज़ बीन मतलब बीन का इजाफा कर देंगे किसका इजाफा कर देंगे बीन का क्या करना होगा जब हम जब हमें हमें जब एक्टिव से पैसिव में जाना होगा हैज बीन और हैव बीन का हमने इजाफा कर दिया और जब भी आप किसी भी टेंस का पैसिव क्रिएट करते हो तो ये तो बहुत ही ईजी सी बात है कि सब में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है ठीक है जी तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो एक्टिव में अगर हमने कहा था ना एज़ कुकड टेस्टी फूड ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा सबसे पहले हमारा रूल यही होता है कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है तो हमने कहा सना जो है वो डोर ऑफ़ एन एक्शन है और जो हमारा टेस्टी फूड है वो रिसीवर ऑफ़ एन एक्शन है ठीक है मतलब ये जो सना है वो काम कर रही है तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और काम हो रहा है मज़ेदार खाने पर तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा तो पैसिव कहता है कि भाई जब भी तुम्हें एक्टिव से एक्टिव से पैसिव में जाना हो तो तुम क्या करना परेशान नहीं होना बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना ठीक है मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह आपस में रिप्लेस कर देना तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आया टेस्टी फूड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड उसका पैसे बनाऊँगा तो मैं हैज़ बीन का इजाफा करूंगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ ही आती है तो मैंने लिखा टेस्टी फूड हैज़ बीन याद रखिएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय टेस्टी फूट हैज़ बीन कुक्ड बाय सना तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट से हम कहाँ आ गए प्रेजेंट परफेक्ट में ही है लेकिन उसके एक्टिव से हम कहाँ आ गए पैसिव में आ गए मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा फिर भी कोई सवाल कोई मसला तो आप मुझसे ईजीली पूछ सकते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक रेजर से इरेज भी कर देते हैं ठीक हो गया जी ये देखें सब मिट जाएगा नहीं इसका कुछ यूँ होता था कि हम यहाँ लिखेंगे ना इरेज ऑल थिंग तो ख़त्म अब दोबारा अली हैज़ नॉट इट इन ऑरेंजेस अब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव का ही है क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है इसका अब हमें पैसे वर्जन क्रिएट करना बहुत ही आसान है हमने पहले हाईलाइट करना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है तो अली हमारा सब्जेक्ट एंड ऑरेंजेस हमारा ऑबजेक्ट हमने आपस में रिप्लेस करा तो हमारे पास बना ऑरेंजेस हैव आपको पता है ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्क का इजाफा करना है तो ऑरेंजेस हैव और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसे भी नेगेटिव ही बनेगा तो ऑरेंजेस हैव नॉट बी ईटिन बाय अली कुछ भी नहीं था सेम था पूरा सेंटेंस सेम था अगर आप गौर करें क्योंकि ऑरेंजेस आपका एक से ज़्यादा हो गया जो प्रोलर हो जाएगा उसमें आप हैव का जो है वो यूज़ करोगे रूल्स ऑफ इंग्लिश ठीक हो गया जी तो यहाँ पे ऑरेंजेस हैव नॉट बीन ईटन बाय अली कह रहे औरेंजेज़ जो हैं वो अली के जरिए नहीं खाए तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास सेम सेंटेंस बनाया हमने हेब बीन का इजाफा करा क्योंकि ये प्रूलर था ठीक है और उसमें हमने बीच में बस नॉट ले आए क्योंकि हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस था वो भी नेगेटिव था तो उसका नेगेटिव हम इस तरह से बनाएंगे ऑरेंजेस हैव नॉट बीन लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद फॉरन से हमने हैव नॉट बीन लगाया और फॉरन बाद थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद फॉर्म ऑफ वर् के बाद फॉरन से बाय लगाया और एंड में हमने प्लेस कर दिया किस को अली को तो ये सेंटेंस को यू बना ऑरेंजेस हैव नॉट बीन इटिन बाय अली तो हम अपना लास्ट डिस्कस करते हैं इस कैटेगरी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का हैव दोल्ड कार्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है बहुत ही सिंपल है परेशान नहीं होना है आपने अब देखिए इसको आपने सब्जेक्ट नहीं समझ लेना है देखिए ये तो हम हमसे सवाल कर रहे हैं ना सब्जेक्ट क्या है काम करने वाला हैव ने काम नहीं किया दे ने काम करा क्या उन्होंने गाड़ियाँ बेच दी ठीक है क्या उन्होंने वो क्या वो गाड़ियाँ बेच चुके हैं इसका ये इस बनता है क्या वो गाड़ियाँ बेच चुके हैं हैव दे सोल्ड कार्स तो दे जो है ना वो हमारा क्या है सब्जेक्ट और कार जो है क्योंकि उस पर काम हुआ है गाड़ियाँ बिकी हैं तो कार जो है वो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट ठीक है लेकिन क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव है तो हम इसका पैसे भी इंटरोगेटिव तरीके से बनाएंगे तो जब इसके अंदर नॉट आ रहा था हमने पैसे में भी नॉट का कर इस्तेमाल करा अब जब इसके अंदर आपका हेल्पिंग बर पहले आ रहा है तो पैसे में भी हेल्पिंग बर पहले आएगा तो ये कुछ ये हो जाएगा हैव कार्ड हैव लगाया ये हमारा ऑब्जेक्ट था इसको हम पहले लिया है लेकिन जब आप पैसिव का इंटेरोगेटिव बनाओगे तो बहुत ही सिंपल बिल्कुल परेशान नहीं होना देखो कैसे बनाओगे आपने सिर्फ जो है ना ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो ठीक हो गया तो आपने लिखा हैव कार्स हैव कार्स और यहाँ पे आपने लगाया बी मतलब हैव बीन हैज बीन साथ आ रहा था लेकिन जब पैसिव बनाते हैं चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव वाइज हो किसका ब्रेन परफेक्ट का तो हम उसमें क्या करते हैं उसको हैव को अलग कर देते हैं और बीन को अलग कर देते हैं ठीक है लेकिन आ, एक्टिव में तो देखें सिर्फ बस हैव अलग होगा वर्क के साथ हैव अलग हो जाएगा लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो हम हैव और बीन को अलग अलग कर देंगे बीच में हमने क्या लगा दिया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है मतलब ये हमारी कार्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको पहले प्लेस कर दिया है। जाएगा हैव कार्ड्स बीन ठीक है और हेल्पिंग वर्क के बाद फॉरन से क्या आ गया वर्क वर्क के बाद क्या आ जाएगा बाय बाकी वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंजिंग होगी हैव कार्स बींग सोल्ड बाय देम तो यहाँ पर हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ